ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि एक बार भगवान श्री राम ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था, पर ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद भी पवन पुत्र को कुछ नहीं हुआ। जाने क्यों नहीं हुआ, वो मैं आपको बताने वाला हूं। कहते हैं कि आज तक के इतिहास में संकट मोचक हनुमान जैसा कोई भक्त न हुआ है और न ही होगा। वाल्मीकि रामायण में राम भक्ति से जुड़े हुए पवन पुत्र हनुमान के कई प्रसंग मिलते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम द्वारा सीता को लंका से वापस लाने के प्रयास में राम भक्त हनुमान ने शुरू से अंत तक श्री राम का साथ दिया। इतना ही नहीं, लंका में युद्ध के समय लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर हनुमान द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को जीवन दान मिला था। वहीं दूसरी ओर महाभारत काल में कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। उस समय भी हनुमान जी अपने लघु रूप में रथ पर विराजमान थे। भगवान श्री राम भी हनुमान को अपने भाइयों जितना ही स्नेह करते थे। लेकिन पद्म पुराण में वर्णित कहानी के अनुसार एक बार श्री राम ने अपने गुरु के कहने पर भक्त हनुमान पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। हुआ एक्चुअली में यूं था कि नारद मुनि को हनुमान से असुरक्षा की भावना आने लगी, क्योंकि वो भगवान विष्णु के अवतार राम के भक्त थे। उन्हें प्रतीत होता था कि उनसे अधिक भगवान राम को कोई प्रेम नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने भक्त हनुमान की परीक्षा लेने की योजना बनाई। एक बार भगवान राम ने एक भोज का आयोजन किया जिसमें बहुत से ऋषि मुनि को निमंत्रण दिया गया। उस भोज में गुरु विश्वामित्र भी आए थे। नारद मुनि ने बड़ी योजनाबद्ध तरीके से हनुमान से गुरु विश्वामित्र के सत्कार न करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि विश्वामित्र को ज्यादा सेवा सत्कार पसंद नहीं है। वहीं दूसरी ओर नारद ने विश्वामित्र को हनुमान के प्रति उकसा दिया कि हनुमान ने अहंकारवश आपको अनदेखा किया है। विश्वामित्र ने नारद मुनि की बातों में आकर राम को हनुमान को दंडित करने का आदेश दिया। अपने गुरु की बात राम टाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने ध्यान में मग्न हनुमान को मारने के लिए कई हथियारों का प्रयोग किया, लेकिन हनुमान पर असर नहीं हुआ। तब श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन इस बार भी हनुमान को कोई हानि नहीं पहुंची। नारद यह सब देख के हैरान थे। उन्होंने आगे बढ़कर हनुमान से इस बारे में पूछा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से बचपना संभव था। हनुमान ने नारद मुनि को कहा कि मैं तो राम नाम जपने में व्यस्त था, मुझे इस बात का अनुभव ही नहीं हुआ कि आसपास क्या हो रहा है। मुझे स्वयं को किसी से श्रेष्ठ साबित करके क्या प्राप्त होगा। मेरे लिए राम भक्ति ही मेरा कर्म है। हनुमान के मुख से ऐसी बात सुनकर नारद मुनि को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे आत्मग्लानि से भर उठे। उन्होंने हनुमान से अपनी करनी के लिए क्षमा मांगी और सारी बात श्री राम को ही बताई। श्री राम ने नारद मुनि से कहा कि वो पहले से ये जानते थे, किंतु नारद को एक सीख देना चाहते थे जिससे कि उनका अहंकार टूट सके। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।